तो नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, जो जैसे कि देख रहे हो आप, मम्मी चाय पी रही है, मेरी तो ख़त्म हो गई है। मैं भूल गई चाय पीते पीते ब्लॉग शूट करना, पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद याद आ रही, अरे मुझे तो ब्लॉग शूट करना था। तो सबसे पहले आप सबको तुलसी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी तुलसी वृंदावन, मम्मी इसको धो रही है, उसके बाद तुलसी लगाएगी। बारिश की वजह से हो रखा है ना। आज का नाश्ता फिर से वही मैंगो शेक, क्योंकि आजकल आमों का सीजन है इसलिए मैंगो शेक हमारे यहाँ ज़्यादा बनता है। और मम्मी का फास्ट है इसलिए मम्मी खा रही है मखाने और काजू, साथ में मैं भी खा रही हूँ, लेकिन मेरे बिना घी में भुने हुए हैं, मम्मी के घी में भुने हुए हैं। और आज हम नीचे बैठ के खा रहे हैं डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी नीचे बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो नाश्ता करते हैं। तो आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी का है फास्ट, मेरा तो फास्ट नहीं है। पापा रखने नहीं देते हैं फास्ट, बोलते हैं ज़्यादा फास्ट मत रखना तू। तो मेरा तो नहीं है, मम्मी का है। तो हम दोनों जने आज हम पहुंच चुके हैं गगन फैमिली रेस्टोरेंट। तो क्या खा रहे हो? छोले भटूरे। छोले भटूरे ही अच्छे लगते हैं आपको? छोले भटूरे। तो फाइनली ऑर्डर किया है छोले भटूरे, इनके फेवरेट। स्प्राइट। तो मेरे लिए स्प्राइट, तुम क्या पी रहे हो? कोक। तो फाइनली हमारा मुझे तो हमने खाना खा लिया है, अब जाते हैं सीधे घर को, थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे, फिर मिलते हैं आपको शाम को। को अब आइसक्रीम खानी है। चुकी है शाम, मम्मी और मैं जा रहे हैं मंडी सब्जी लेने और सिलवाने। एक सूट, ये दो सूट मेरे और दो सूट मम्मी के। तो पहले सूट सिलवाएंगे फिर मंडी जाएंगे। सांडों से बचाने के लिए मम्मी अपने पौधों को कितनी सुरक्षा प्रदान कर रही है ये मम्मी की सुरक्षा। ये सुरक्षा में बच पाएंगे पेड़? उनका बस चलेगा, ये फाड़ेंगे और खाएंगे, है मम्मी? इसमें वो भी हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ये सफेद सफेद जैसा लगी है, ये दवाई डालनी पड़ेगी कल को। वाह, देखो कद्दू की खेती कर रखी है, पूरे खेत में कद्दू ही कद्दू होंगे, ओ इतनी दूर तक। वाह,
अचार बनाने के लिए आम कटवा के ले लिए। खोल के ही देंगे ना मम्मी ये। लेना पड़ेगा छोटा है अभी रे। तो आज तुलसी एकादशी है तो एक लोग तुलसी माँ के भजन गाते हैं, तो सुनिए आप। जय जय मम्मी अचार बनाएगी। एक डब्बा तो मम्मी बना चुकी है, मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है इसलिए मम्मी और लेके आई है। तो मम्मी खाना बांटते हुए हेड ऑफ फैमिली अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और हमें आलू दे रहे हैं। फ़ोन देखना मम्मी का। तो मम्मी तो खाली फलाहार यानी कि सिर्फ आलू ही आलू खाएगी, हम लोग रोटी भी पापड़ भी। ये मेरी प्लेट वहाँ है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।